हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और भाई आज वो दिन आ चुका है जब हम सरप्राइज को रिवील करेंगे। जो काफ़ी दिन से हम शॉपिंग कर रहे थे और मार्केट जा रहे थे, वो इसलिए जा रहे थे क्योंकि हमारे घर में है शादी, और वो भी शादी है बाबू की। क्या बात है। अब आने वाले जो ब्लॉग होंगे भाई, पूरे शादी के ही होंगे, और शादी के जो कार्यक्रम होते हैं, कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं शादी के कार्यक्रम को भाई रिकॉर्ड कर सकूं। वैसे बहुत ज़्यादा काम है और बहुत ज़्यादा बिजी रहूंगा, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी शादी को अच्छे से ब्लॉग में रिकॉर्ड कर सकूं। तो आज से ही शादी के ब्लॉग की शुरुआत हो जाएगी, और हमारा जो इतने दिनों से सस्पेंस चल रहा था वो फाइनली आज रिवील हो चुका है। विवाह में किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए, विवाह के पश्चात मेरे दाम्पत्य जीवन में भी किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए, ऐसा शुभ आशीष प्रदान करने की कृपा करें। ओम है गोविंदाय नमः, ओम है ऋषिकेशाय नमः, हस्ते प्रक्षालन च है गुरुं गुरु मंत्रं च स्मृत्वा गुरुदेव का ध्यान कर लीजिए। ध्यान मूलम गुरुर मूर्तिः, पूजा मूलम गुरु पदम। ओम या देवी सर्व भूतेषु शक्तिः, सो गाइज मैं मिलवाता हूँ भाई हमारे दूल्हे राजा से, बाबू से। हाय हाय, बताइयो आपको। जय माता दी। जय माता दी। और भाई शादी का बिगुल बज चुका है। बिल्कुल बज चुका है। इतने दिन से सरप्राइज रखने का था सबके लिए। हाँ, पर आज सबके लिए मतलब वो अनाउंसमेंट कर दिया है। हो गया ऑफिशियली अनाउंसमेंट, हो गया अनाउंसमेंट, हो चुका है। मैं जिस तरीके से भागती दौड़ती आपको दिखती हूँ ब्लॉग में, इस बार थोड़ी और ज्यादा दिखूंगी आपको। हाँ, मानसिंह की रिपोर्ट दे दे, प्रकाश एक दिन। हेलो भैया। हाय साहब। सो गाइज, किसी को भी फुर्सत नहीं है भाई, घर में सब काम में बिजी है। भैया कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और दूल्हे राजा को तो मतलब फुर्सत ही नहीं बिल्कुल। सब लोग किसी काम से पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, कोई फोटो खिंचवाने के लिए या फिर किसी और काम से। डिम्पी तो बहुत बिजी है। हाय, मैं तो बहुत बिजी हूँ। गाइज टुक टुक ने देखो भाई शेरवानी पहनी आज बाबू की शादी में पहले दिन। कैसा लग रहा है? देखो मैंने शर्ट पहनी, शर्ट और जीन्स। आज पूरा मेरा ड्रेस ही चेंज हो गया, और अब शादी में अलग अलग ड्रेसों में मैं आपको दिखता रहूँगा। तो जो टी शर्ट्स में व्लॉग आ रहे थे वो थोड़े कम हो जाएंगे अभी शादी शादी के टाइम। गाइज डिम्पी को भाई अब फुर्सत मिली है कपड़े लेने की, जो धो के सुखाए थे बंदी ने दिन को, वो अब लेना आई है छत पे। और मैं भी आया हूँ लाइट्स देखने के लिए। ये देखो भाई शादी की लाइट्स लग चुकी है। ये गणेश जी है, ये देखो भाई लाइट्स। नीचे गाने चल रहे हैं। ये पूरी गली में टेंट लग गए भाई, नीचे बच्चे डांस कर रहे हैं भाई साउंड पे, और पूरा शादी का माहौल है घर में। कपड़े रख के फिर चलते हैं नीचे डांस करने। ये कपड़ों का ढेर हमेशा रहता है भाई इस कुर्सी पे। ये कुर्सी ऐसा रखता है कपड़ों के लिए। ये कपड़े समेटती है, वापस नए धुले हुए कपड़े इस पे आ जाते हैं। तो इस कुर्सी पे हमेशा ही कपड़े मिलते मुझे। तो ये बैठने का काम नहीं आती है, कपड़े रखने का काम आती है भाई।
भूले भुलैया गाना चल रहा है, बट यार डांस के भाई वीडियो मैं बहुत कम डाल पाऊंगा, क्योंकि ये जो गाने चलेंगे इसकी वजह से भाई कॉपीराइट आ जाता है। हम कोई भी गाना जो हॉलीवुड बॉलीवुड जो बज रहा है वो हमारे चैनल में वीडियो में यूज नहीं कर सकते, कॉपीराइट आ जाता है। तो ये एक समस्या रहने वाली मेरे लिए कि जो गानों पे डांस करेंगे उसमें या तो मुझे गाना हटाना पड़ेगा या फिर डांस ही हटाना पड़ेगा। टुक टुक मैं और टिंचू नाचते थे, टुक टुक मुझे तो मैं भी साइड में कर रही थी, टुक टुक है ना टिंचू को बार बार इतनी जोर से धक्का दे, दो बार तो गिरा दिया मैं, वो तो पहले वो साइड में कर रही तो भी वो धक्का दे रहा कि मेरा डांस। कंप्लेन आ चुकी है बच्चों की, तो नीचे जाना पड़ेगा। तो गाइज शादी का पहला दिन और आज का डांस नाच गाना सब खत्म हो चुका है भाई, थक चुके हैं। आज पहला दिन था तो सब में बहुत ज़्यादा जोश था और जोश में बहुत ज़्यादा नाचे, बहुत ज़्यादा उछले, तो थक चुके हैं, खूब नाचे आज तो। हाँ तो थक गया, अभी तो रोज नाचना है। हाँ तो अभी तो थक रहे थक रहे। सो गाइज आज शादी का पहला दिन था और काफ़ी अच्छा लगा, डांस की शुरुआत हो गई और अब आने वाले डेली के ब्लॉग में आपको डांस देखने को मिलेगा जब तक शादी चलेगी भाई। तो आज काफ़ी थक गए और अब वक्त हो चुका है डिम्पी और टुक टुक के सोने का, तो इस ब्लॉग को अब यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय 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 बाय। आप भी करो, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.